आरटीआई में कर्नाटक देश में पहले स्थान पर है। मैं तो मुंबई जी को अभिनंदन देना चाहूंगा कि 2,72,000 करोड़ रुपए का निवेश अकेले कर्नाटक ने जुटा है। देश में अगर 100 डिफेंस एयरक्राफ्ट बनते हैं तो उसमें से 75 बेंगलुरु में। कुछ लोग कहते हैं कि तो हमारे समय में कारखाना आपके समय में हुआ था, मगर मिलिट्री का एक्सपांशन आप 10 साल में ये आने का नहीं कर पाए थे, ये मोदी जी ने किया है। और आत्मनिर्भर इस क्षेत्र में भारत को बनाने का काम प्रधानमंत्री जी। बेंगलुरु के पास तुमकुर में HAL का नया हेलीकॉप्टर का फैक्ट्री भी मोदी जी ने रोका। मैं तो सिर्फ बेंगलुरु की बात, कर्नाटक के लिए भी ढेर सारा। आज एक बहुत बड़ी सौगात मोदी जी की मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। सेफ सिटी के पहले चरण का आज लोकार्पण हुआ है। मैं बेंगलुरु के CP और DGP को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया है, 100% स्वदेशी है, इसमें फॉरेन की एक भी चीज का उपयोग नहीं। अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी है और 100% स्वदेशी, ये दोनों चीजों का होना हमारा देश कितनी गति के साथ, कितनी स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है, इसका एक उदाहरण। आज बेंगलुरु वासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, और इसके स्पीडी इम्प्लीमेंटेशन के लिए मुख्यमंत्री जी और गृहमंत्री जी ने जो पेन लिया है इसको मैं जानता हूं। जब भी हम फॉलोअप करते थे दौड़ धूप तो होती थी, मगर परिणाम भी मिलता था। अंततः गतवा आज ये स्वप्न साकार होने जा रहा है। सभी को